हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फोटोग्राफी से रिलेटेड बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको गो थ्रू करेंगे। नॉर्मली कभी भी कोई आदमी जब भी फोटोग्राफी सीखने की बात करता है तो टॉपिक हमेशा चला जाता है कौन सा इक्विपमेंट खरीदना चाहिए या फिर कैसे एडिटिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है कोई भी फोटो के एलिमेंट्स जो है उनको कैसे प्लेस करना है फोटो के अंदर, और इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये बेसिक रूल्स अगर आपको पता होगी तो आपकी फोटो तुरंत ही बहुत अच्छी हो जाएगी, और इसके लिए हम लोग इस एपिसोड में एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। वैसे तो ये बेसिक रूल्स फॉलो करने से किसी भी फोटो में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। बट अगर आप अभी अभी फोटोग्राफी में स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पहले आप इससे स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे यू कैन ब्रेक दीज रूल्स, बट द बेसिक फाउंडेशन जो है इन रूल्स का वो क्लियर होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डाइव इन। तो जो पहला रूल आज हम लोग देखने वाले हैं उसको कहते हैं रूल ऑफ टू थर्ड्स। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि ये सबके लिए आसान हो। तो जो फोटो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक फ़ोटो मैंने खींची थी कुतुब मीनार पे। इसको अगर मैं तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करूँ और तीन वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करूँ तो आप देखेंगे कि जो गिलहरी है उसको मैंने जानबूझ के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे रखा है। तो बेसिकली ये रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है, जो भी आपके फ़ोटो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप उनको इन लाइंस पे और अगर इंटरसेक्शन पर लाइन पे रख दिया तो और भी अच्छी लगती है, और इससे आपकी कोई भी फ़ोटो सडनली बेटर दिखने लगती है। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें नोटिस करना है कि अगर मान लीजिए गिलहरी को जो मैंने लेफ्ट साइड में रखा है तो उसकी नज़र राइट साइड की ओर है। दूसरा जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो हमारी फेवरेट पपेट है मिनी। हम क्या करेंगे कि इस फ्रेम को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और मिनी को हमने जानबूझ करके वन ऑफ द लाइंस पे रखा है। इससे क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड में काफ़ी स्पेस बचती है जिससे हम लोग देखते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट में है, और ऐसी फ़ोटोज़ काफ़ी प्लीजिंग होती हैं। अगर आप चाहिए तो आज ही किसी भी सामान को या किसी भी पर्सन को ये रूल के थ्रू फ़ोटो खींचिए इसकी, और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि जो नॉर्मली हम लोग बीच में रख के फ़ोटो खींच लेते हैं लोगों की, उससे मच बेटर आपको ये फ़ोटो लगेगी। जो दूसरा रूल हम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको कहते हैं लीडिंग लाइंस। और ये लीडिंग लाइंस बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, कहीं पे इट इज़ वेरी ऑब्वियस और कहीं पे ये रियलाइज़ करना कि वो लीडिंग लाइन है कि नहीं इट इज़ अ स्लाइटली ट्रिकी पार्ट। तो अभी हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल इज़ वेरी ऑब्वियस लीडिंग लाइंस का, लेकिन दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगी। तो पहला फ़ोटो जो हम लोग देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि लीडिंग लाइन्स का मतलब है ये जो लाइन्स कन्वर्ज हो रही है। जब भी कोई लाइन्स कन्वर्ज होती है और उसके एंड में या उसके पास में आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है तो आपके व्यूअर्स का नज़र उन लाइन के थ्रू जाता है, और इट इज़ अ वेरी इमर्सिव प्रोसेस। आपके व्यूअर्स पहले स्टार्ट करेंगे जैसे इस केस में इस जगह से, और फिर उनकी नज़र क्योंकि लीडिंग लाइन्स के कारण इस तरफ जाएगी, और फिर वो रियलाइज़ करेंगे कि सीन क्या है। तो इट इज़ अ प्रोसेस जिससे आपकी फ़ोटो इम्प्रूव हो सकती है, बट इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस केस जहाँ पे आपको सीधा सीधा रोड है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ लीडिंग लाइन। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे इट इज़ अ बिट ट्रिकी, जैसे ये फ़ोटो हमने जब हम लोग सिक्किम गए थे विथ माई फैमिली उस समय की फ़ोटो है। इस केस में जो अभी ये फ़ोटो दिख रही है इसमें आपको कहीं पे भी क्लियरली लीडिंग लाइन्स नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप ये जो रॉक्स बने हैं इनको गौर करें तो ये एक लीडिंग लाइन के जैसा काम करती है, और ये आपके व्यूअर का नज़र जो है वो धीरे धीरे फोटो के अंदर ले जाती है, और इट इज़ अ
वे टू एनहेंस योर फोटोग्राफ। आपको ऐसी ही चीज़ों पे नज़र रखना है और जैसे ही मौका मिले एक फ़ोटो अच्छी सी खींच लेनी है। तो जो तीसरा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है सिमेट्री का रूल। नॉर्मली आप देखोगे कि ह्यूमन आई और ह्यूमन ब्रेन हमेशा सिमेट्री खोजता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आप किसी भी पुराने फोर्ट चले जाओ या किसी भी पुराने मॉन्यूमेंट चले जाओ, आपको वहाँ पर सिमेट्री अवश्य दिखेगी। तो अब यही चीज़ हम लोग अपने फ़ोटोज़ में लाना है क्योंकि इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू ह्यूमन ब्रेन। तो अभी आपको एग्जांपल मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो इट इज़ अ वेरी गुड केस फॉर सिमेट्री। यहाँ पे हमारे पहाड़ है और उसका रिफ्लेक्शन हमें नीचे मिल रहा है, इसी के कारण इस लाइन के थ्रू हमें सिमेट्री वाली फील आ रही है। जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी प्लीजिंग होती है, और आपको अगर ऐसा मौका मिले तो आपको भी ऐसे सीन को देखना चाहिए, समझना चाहिए और फोटो ले लेनी चाहिए। हम लोग इसके लिए दूसरा एग्जांपल भी एक देखते हैं जो थोड़ा सा इतना एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। इस फोटो की अगर बात करें तो ये फोटो अगर आपको मैं बोलूँगा तो आपको तुरंत में सिमेट्री नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं एक लाइन बना दूँ बीच से तो आपको दिखेगा कि सिमेट्री अब ऊपर नीचे की जगह लेफ्ट राइट में है। ये टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स है फोटोग्राफी के लिए, और ये आपको हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए ताकि आपको जब भी ऐसा मौका मिले आप फोटो तुरंत क्लिक कर लें। अभी जो हमने रूल्स गो थ्रू किए उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअली अप्लाई करना है। कई आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको सारे रूल्स को एक साथ कंबाइन करना पड़े। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक फ़ोटो के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहला जो चीज़ देखा था वो था रूल ऑफ थर्ड्स। तो अगर इस फ्रेम को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस फोटोग्राफ में जो होराइज़न है उसको ऊपर वाले लाइन पे रखा गया है, साथ में जो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है बोट उसको हमने साइड वाले लाइन पे रखा है। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था लीडिंग लाइंस। तो लीडिंग लाइंस कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं इस रास्ते के थ्रू। और जो लास्ट चीज़ जो हमने कवर की थी वो थी सिमेट्री की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के कारण हमें सिमेट्री भी आ रही है इस फोटो में, साथ में जो कलर्स हैं स्काई के वो पानी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो केस ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये सारे रूल्स को आप कंबाइन करते हैं तो आपकी फ़ोटो ज़बरदस्त निकलेगी। ये जो रूल्स हमने आज देखे इसको ऑल्दो थ्योरेटिकल नॉलेज लेना काफ़ी आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इसको करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए इन सब पॉइंट्स का ध्यान देने के लिए। तो मेरा सजेशन है आप एक दो बार अगर चाहें तो ये वीडियो को वापस से देखें, समझें और साथ में इसको अप्लाई करना शुरू करें। अगर आपको इसके एप्लीकेशन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन आवर पेज। आपके कमेंट्स के थ्रू हमें समझ में आएगा कि जो भी हम लोग मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आप लोग तक पहुंच रहा है और आप लोग वो अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड या जो हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगले एपिसोड में हम लोग फोटोग्राफी स्किल्स को और इम्प्रूव कैसे करना है ये देखेंगे।